एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आलू वाली भरवा मिर्च की रेसिपी। तो आ रहा है ना सुनते से ही मुंह में पानी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर ज़्यादा देर नहीं करते हैं और फटाफट से देख लेते हैं कि ये जो आलू वाली भरवा मिर्च है ये कैसे बनती है। आलू वाली भरवा मिर्च बनाने के लिए हम सबसे पहले 4 मीडियम साइज के आलू को थोड़ा सा नमक डाल के पानी में बॉईल कर लेंगे। तो ये मैं यहाँ पर जो आलू यूज़ कर रही हूँ ये उबले हुए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो ग्रेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हाथों की मदद से भी इनको अच्छे से मैश कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि आलू के जो पीसेस हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, क्योंकि जब हम मिर्ची में आलू की स्टफिंग करेंगे मसाले की तो वो अच्छे से स्टफिंग नहीं हो पाएगी, मसाला जो है वो बाहर निकलेगा बार बार, इसीलिए आलू को अच्छे से मैश कर लें। इसके बाद अब हम ऐड करेंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप हरी मिर्च अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 कद्दूकस की हुई लहसुन की कलियाँ, 1 छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, नमक स्वाद के अनुसार, 1/4 चम्मच हींग एसाफोइटिडा, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर रोस्टेड क्यूमन सीड पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून सौंफ पाउडर फेनल पाउडर और लास्ट में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सभी मसालों को अच्छे से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अदरक और लहसुन दोनों ऐड किए हैं, लेकिन अगर आप अदरक लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने हरी मिर्च और लाल मिर्च पाउडर दोनों ऐड किए हैं। अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्च और हरी मिर्च अपने अकॉर्डिंग ऐड कर दें, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि मसाले की स्टफिंग करेंगे मिर्ची के अंदर। तो इससे पहले हम मिर्ची को काट लेते हैं। तो ये देखिए, हमें मिर्ची को इस तरह से काटना है। मैं यहाँ पर मोटी वाली मिर्च का यूज़ कर रही हूँ जिससे आमतौर पर पकोड़े बनाए जाते हैं, लेकिन अगर आपको ये वाली मिर्च नहीं मिलती है तो आप क्या करें कि जो पतली वाली थोड़ी सी हल्की सी मोटी होती है उस मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसके प्लेस पर कैप्सिकम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे कि बीज को निकाल देंगे, क्योंकि बीज जो होते हैं वो खाने में थोड़े से स्पाइसी होते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते हैं तो बीज को निकाल दीजिए। इसी तरह से हम सभी मिर्चियों को बीज निकाल कर काट लेंगे। इसके बाद अब हम जो हमने मिर्चियाँ काट के रखी थी उनके अंदर मसाले की स्टफिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो मसाला है उसको अच्छे से दबा कर पूरी तरह से फिल करना है, क्योंकि हम मिर्ची को ढक कर पकाएंगे और आपको तो पता ही है कि अगर ढक कर पकाया तो मिर्ची जो है वो सॉफ्ट होगी और जो मसाला है वो भी सॉफ्ट होगा। तो अगर मसाला कम भरा या अच्छे से नहीं भरा तो ये मिर्ची से बाहर निकलेगा। सभी मिर्चियों को हम इसी तरह से अच्छे से आलू भर के तैयार कर लेंगे। इसके बाद अब हम मिर्ची को फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून काली वाली तिल, 8 से 10 कड़ी पत्ते, मिला देंगे अच्छे से। इसके बाद ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, इन्हें भी अच्छे से मिला देंगे। अभी हमने जो भी मसाले ऐड किए, जीरा हल्दी मिर्ची पाउडर, ये सब हम लो फ्लेम पर ऐड करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि ये जल जाएंगे। इसके बाद सारी जो मिर्ची हमने आलू से स्टफिंग करके भर के रखी थी उन्हें ऐड कर देंगे। मिर्चियों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने आपके साथ बेसन वाली भरवा मिर्च की रेसिपी और मिर्ची के पकोड़े की रेसिपी शेयर की है,
तो अगर वो रेसिपीज आपने नहीं देखी हैं और अगर आप देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप उन रेसिपीज को भी देख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर मिर्चियों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इनको ढक कर लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो मिर्चियाँ हैं वो एक साइड से काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको पलट देंगे ताकि जो दूसरी साइड है वो भी अच्छे से पक जाए, सिक जाए। तो मैं यहाँ पर सभी मिर्चियों को इसी तरह से पलट दूंगी और दोबारा से ढक के 5 मिनट के लिए पका लूंगी। तो फ्रेंड्स 5 मिनट बाद हमारी जो मिर्चियाँ हैं वो पूरी तरह से बनके तैयार हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं, ये काफ़ी अच्छे से पक गई हैं, दोनों साइड पक चुकी हैं अच्छे से और स्टफिंग भी बिल्कुल वैसी की वैसी है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली है। तो अगर आपने इस तरीके से अभी तक मिर्ची की रेसिपी बनाकर ट्राई नहीं की है तो एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आपको ये बेहद पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।